तो भाई साहब अतीक चचा तो निपट कर ऊपर असद और अशरफ के साथ 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गए। फ्लैट पर नजर डालने के बाद अतीक ने कहा माशाल्लाह फ्लैट तो बहुत बढ़िया है, जिस पर उनके लौंडे ने कहा कि अब्बू ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बोलो तो इसी पर कब्जा कर ले। ये सुनते ही अशरफ सोफे से उछलकर नीचे गिर पड़ा। उसका कहना था चुप कर मरवा, इन्हीं सब हरकतों के चलते नीचे पेले गए थे, तुम यहाँ भी मरवाओगे क्या? नीचे से तो यहाँ आए हैं, यहाँ कोई पेल गया तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। खैर खबर यह है कि फिलहाल उन्होंने रेंट अग्रीमेंट बनवाकर साइन कर लिया है और यह तय हुआ है कि मकान मालिक हर महीने उन्हें 30,000 किराया देगा। क्या बोला? क्या बोला? 30,000 किराया देगा। और इधर उनकी बेगम शाइस्ता बराबर उसेन बोल्ट बनी दौड़ती फिर रही है। खबर यह है कि पहचान छिपाने के लिए वो 5-10 बुरके वाली महिलाओं के बीच चल रही है। और यह भी खबर है कि गुड्डू मुस्लिम भी बुरका पहनकर इन्हीं औरतों में घुसा हुआ है। यह सोचकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि जो आदमी कल तक प्रयागराज की सड़कों पर माफिया बना घूमा करता था आज पुलिस के डर से दिन रात दौड़ रहा है और 2 बार तो इसी वजह से वो नाली में भी गिर चुका है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि उसके नाली में गिरने से वो ज़्यादा गंदा हुआ है या नाली, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट इस बारे में इतना सोचा और मुझे इतना बुरा लगा कि 10 मिनट तक मेरी हंसी नहीं रुकी। तो दोस्तों अतीक अहमद तो निपट गया, मुख्तार अंसारी को भी उसकी सखियां ये बोलकर छेड़ रही हैं कि बता गुड़िया 13 नंबर कब आए। और इसके अलावा आधा पाव से लेकर 2.5 किलो तक के न जाने कितने माफिया हाथ में टोकन की पर्ची लिए अपने पहले जाने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो लोगों को भी भरोसा हो चला कि आज नहीं तो कल सब मिल ही जाएंगे। मगर आज के फनतंत्र में हम इससे भी बड़े मामले पर बात करेंगे। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन माफिया लोग को पॉलिटिक्स में लाता कौन है, कैसे एक गुंडा जो सभ्य लोगों के बीच उठने बैठने का भी हक नहीं रखता हम उसे विधायक सांसद बनाकर सदन में भेज देते हैं। कौन है ये लोग? क्या इसके लिए राजनीति कसूरवार है, देश का सिस्टम जिम्मेदार है या हम जनता खुद? तो बिना किसी देरी के आइए इसी मुद्दे की फेरी लगाना शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको सही लगे तो अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर पहुंचाएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते वेलकम, स्वागत, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक। फनतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं आप। इससे पहले कि हम पॉलिटिक्स में माफिया लोग के रोल के बारे में बताएं, अपराधी राजनीति में क्या गेम करते हैं उसके बारे में समझाएं, उससे पहले मैं आपको उस गेम के बारे में बता देता हूं जिससे आपका फायदा ही फायदा है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो और अपनी क्रिकेट वाली नॉलेज यूज करके मेगा कॉन्टेस्ट टॉप किया तो 1 करोड़ रुपए आपके। और जो कूपन कोड दिया ना मेरा, इसका यूज करके पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और ज्वाइनिंग पर 1500 का बोनस तो है ही। आज चेन्नई और हैदराबाद का मुकाबला है, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करके टीम बनाओ और इनको मिलो। ये लेखराज सिंह राजस्थान से और जीत गए बढ़िया वाला बंपर प्राइज, आप भी जीत सकते हो। बाकी आज के मैच की टीम मैंने आरजे रौनक नोपो चैनल पर बनाई है, जाके वहां पर देख सकते हो। लेकिन याद रखना इस खेल में वित्तीय जोखिम संभव है और आदत लगने की संभावना है, इसलिए ध्यान से खेलें। तो दोस्तों आदरणीय अतीक अहमद जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, इस दौरान हमने उन पर कई वीडियोस भी बनाए। इन वीडियोस में हमने आपको उनके गौरवशाली अतीत के बारे में भी बताया, लोगों से उनके मधुर रिश्तों की जानकारी भी दी। और सच कहूं तो रिसर्च के दौरान जब जब मैंने अतीक के काले अतीत के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि जिस शख्स का इतना लंबा चौड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जिसके जुल्म की गवाही शहर का बच्चा बच्चा देता हो, जिसके वहशीपन के इतने शिकार हो, बावजूद इसके वो शख्स राजनीति में आकर सांसद और विधायक कैसे बन जाता है? और अतीक ही नहीं, क्या वजह है कि इस देश का राजनीतिक इतिहास अतीक जैसे बाहुबलियों से भरा पड़ा है? तो आइए सिलसिलेवार तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सीधा सा सवाल है, अगर आपके 5 क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उसमें से कितने ऐसे होंगे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है? अब आप बोलेंगे कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हो, हम किसी क्रिमिनल को दोस्त क्यों बनाने लगे? अब मैं आपसे पूछूं कि आपके ऑफिस में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री होगी, मतलब ऐसे कितने बंदे होंगे जो कोड ब्लास्ट का इलाज करने से पहले सीरिया में ब्लास्ट करके आए हों? अगेन आप यही बोलेंगे कि पगला गए हो क्या, किसी भी एम्प्लॉय को रखने से पहले कंपनी वाले उसका सारा बैकग्राउंड चेक करते हैं, और जरा सा भी डाउट हो तो उसे नौकरी पर रखना तो दूर, ऑफिस के सामने वाली टपरी पर चाय तक पीने नहीं देते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर कोई कंपनी छोटी से छोटी पोजीशन पर किसी को रखने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करती है, उससे कोई समझौता नहीं करती, उसके एजुकेशन बैकग्राउंड्स की जानकारी से लेकर उसके पड़ोसी मंगलू की भैंस कितना दूध देती है इस तक की खबर ले लेती है, तो वहीं हम लोग इस देश की सबसे बड़ी सांसद की जॉब के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को कैसे चुन लेते हैं भाई? क्या आप जानते हैं करंट लोकसभा में 43% ऐसे सांसद हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, और इनमें भी 30% तो ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। मतलब देश का हर तीसरा सांसद ऐसा है जिस पर गंभीर आरोप हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ताजा रिपोर्ट के हिसाब से देश के टोटल 558 MLAs में से 43% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, और ये वो मामले हैं जिनका खुलासा खुद इन नेताओं ने MLA और MP बनने से पहले एफिडेविट में किया है।
तो ये बात हुई आंकड़ों की कि हमारी लोकसभा और विधानसभा में अतीक और मुख्तार जैसे कई ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने अपराधी पॉलिटिक्स में आते कैसे हैं? अब ऐसा तो नहीं है ना भैया कि पेटीएम का कोई स्क्रैच कार्ड खुरीदने पर उसके अंदर से इनकी सांसदी या विधायकी निकल जाती है? अरे उसके अंदर से तो एक रुपए का खट्टा मीठा चूरन भी नहीं निकलता, तो सांसदी क्या ही निकलेगी? ये अपराधी सांसद बनते हैं क्योंकि हम बनाते हैं, मगर सवाल है कि क्यों बनाते हैं? अब देखो, इतने सारे अपराधी अगर सांसद या विधायक बनते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर पार्टियां ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी को टिकट काहे को देती हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि ये अपराधी कोई देगी मिर्च है जिसके बिना कोई सब्जी नहीं बन सकती? तो वजह बड़ी सिंपल है, चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी को दो चीजें चाहिए होती है, पहला पैसा और दूसरा बाहुबल, और ये दोनों ही चीजें माफिया लोग के पास होती हैं, बड़े अपराधी के पास भरपूर होती हैं। वो अवैध तरीके से कमाए रुपयों को चुनाव में पानी की तरह बहाता है, जिससे लोगों को मुफ्त की शराब पिलाने से लेकर नकद पैसे देकर उनके वोट खरीदने तक वो सब कुछ करता है। इसके अलावा वो करोड़ों रुपए पार्टी फंड में भी डोनेट करता है, अपने क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को पैसा देकर वो उनके बीच रॉबिनहुड टाइप की छवि भी बनाता है, अपने बाहुबल के दम पर विपक्षियों को डरा धमका कर भी रखता है। इस सब के चलते वो हर पार्टी के लिए एक जिताऊ उम्मीदवार बन जाता है। पॉलिटिक्स में चूंकि सारा खेल सीटों का है, यहां सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार की जीत मायने रखती है, सीट निकालना मायने रखता है, इसलिए टिकट देते वक्त पार्टी के लिए सिर्फ यही मायने रह जाता है और इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई कौन सा कैंडिडेट है जो सीट निकाल कर दे सकता है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उसे बस जीतना होता है, और माफिया से बढ़कर ये काम उसके लिए और कोई कर सकता है बताइए? नहीं। लेकिन क्रिमिनल लोग को टिकट देने में अगर पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं तो इन्हीं क्रिमिनल लोग को जिताने के लिए जनता भी कसूरवार है। और मैंने पहले भी कहा ना कि भैया अपन लोग ऐसा दोस्त भी नहीं बनाते जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, ऐसे आदमी के साथ उठते बैठते भी नहीं है जिसकी इमेज अच्छी ना हो, तो फिर वही आप और हम अपने इलाके में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसों को कैसे नेता बना देते हैं भाई, और अपना भविष्य तय करने के लिए उन्हें भेज देते हैं सदन में? जो लोग कानून की नज़र में अपराधी हैं आप उन्हें सांसद और विधायक बनाकर कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जनता में भी एक वर्ग की सोच सिर्फ यहीं तक सीमित होती है कि नेताजी मेरा काम करवा सकते हैं या नहीं, वो हमारी जाति या मजहब के हैं या नहीं, हमारी गली की सड़क बना रहे हैं या नहीं, हमारी बिरादरी के कार्यक्रम में आ रहे हैं या नहीं। और जब तक नेताजी वो सब करते हैं तो जनता को इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि नेताजी इसके अलावा और क्या क्या करते हैं। और ये सच है कि जितने भी माफिया टाइप के नेता हैं ये जनता को साधने में बाकी नेताओं की तुलना में ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं। तभी आप देखिएगा जितने बाहुबली विधायक सांसद हैं ये अपने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं, पॉपुलर बहुत होते हैं, क्योंकि ये उनके सरकारी काम करवाते हैं, बिरादरी की बच्चियों की शादी में पैसे डोनेट करते हैं। चूंकि खुद ये माफिया हैं इसलिए बाकी गुंडों से जनता को बचा कर भी रखते हैं। अब जनता को भी इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर कोई नेता किसी गरीब की लड़की की शादी में 10-20 हज़ार दे रहा है तो इसके लिए वही बहुत है, उसकी ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ये पैसा खुद नेताजी ने व्यापारियों से लूट कर इकट्ठा किया है। और माफिया टाइप के नेता के लिए लोगों को दिया ये पैसा एक तरह की रिश्वत ही है, ये पैसा वोट पाने के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट है। माफिया टाइप के नेता को भी पता है कि जब तक वो इन लोगों को खुश नहीं रखेगा जिन लोगों को उसे चुनना है तो दोबारा विधायक सांसद बनकर वो जनता को कैसे लूटेगा? नहीं। और देखिए, सबसे पहला इलाज तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी को टिकट ही न दें। मगर फैक्ट ये है कि हर पार्टी में ऐसे बैकग्राउंड वाले लोगों को टिकट देने का कंपटीशन होने लगता है। ये ऐसा कंपटीशन है जहां लोग इस बात पर भिड़ रहे हैं कि तेरी शर्ट मेरी शर्ट से काली कैसे, जहां सफेद शर्ट का होना किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मान लिया गया है। नेशनल वॉच और ADR की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के पार्लियामेंट में पहुंचने का परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 2009 में आपराधिक बैकग्राउंड वाले सांसदों की संख्या जहां 76 थी, 19 में बढ़कर 159 हो गई है, मतलब 10 सालों में 109% का इजाफा। बहुत बढ़िया। मतलब जिस हिसाब से संसद में अपराधी बढ़ रहे हैं कुछ सालों में तो शरीफ सांसदों को डर के मारे अपनी मम्मी को साथ में संसद ले जाना पड़ेगा, और शरीफ सांसदों को देखकर बाकी सांसद एक दूसरे से शिकायती लहजे में पूछ रहे होंगे कि ये चचुंदर यहां क्या कर रहा है ब्रो। तो भाई आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि राजनीति अपराधियों से हाथ खींचने की बजाय उनका ही हाथ खींचकर उन्हें और जोर से गले लगा रही है। इसलिए अब ले देकर सारी उम्मीदें आपसे यानी जनता से ही बची है। अगर जनता ये तय कर ले कि ना चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसे आदमी को तो सदन में नहीं पहुंचाएंगे, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा रॉबिनहुड हो, कितना ही बड़ा जाति का नेता क्यों ना हो, अगर वो आपराधिक बैकग्राउंड का है तो हम उसे वोट नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो शायद माहौल बदले। कहते किसी भी लोकतंत्र में हर चीज जनता का ही रिफ्लेक्शन होती है। आपके इलाके में वैसा ही नेता आपको मिलता है जैसा वहां की प्रजा होती है। इसलिए बतौर डेमोक्रेटिक नेशन हमें
ऐसा ही बनना है। हमें अपनी पहचान क्या अतीक जैसे बाहुबलियों से बनानी है या हमें पढ़े लिखे ईमानदार लोगों से, यह हमें ही तय करना है। इसको तो सेम बोलना भी सेम होता है। तो दोस्तों एंड में यही कहना चाहूंगा कि किसी माफिया का मारा जाना तो सुखद हो सकता है, मगर यह सच पचा पाना मुश्किल होता है कि वो माफिया कभी हमारा विधायक या सांसद भी था। और वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो सालों की मेहनत के बाद इस सम्मानित पद को हासिल करते हैं, उन सम्मानित अफसरों को इन दो कौड़ी के गुंडों के आगे सर झुकाना पड़ता है, इनका हुक्म मानना पड़ता है। माफिया का विधायक सांसद बन जाना इस देश के कानून और लोकतंत्र का मजाक है, तो हमारे अधिकारियों का इन माफियाओं के आगे सिर झुकाना इस देश की प्रतिभा की तौहीन है, मजाक है। और आपको और हमको इस भद्दे मजाक को और होने से रोकना पड़ेगा। यही समय है, सही समय है। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा, मिस मत करिएगा। और फटाफट से डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया है, डाउनलोड करिए इस ऐप को। 1 करोड़ जीतने का मौका है आपके पास। आज धोनी भैया का मैच है और टीम मैंने क्या बनाई है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, सेम टीम कॉपी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते। जय हिंद।